हत्या की गई है 2 अप्रैल को, उनके लिए हम लोगों ने कंपेंसेशन की मांग की है सरकार से। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि उनको उचित मुआवजा जो है उन 11 लोगों को दिया जाए, तत्काल दिया जाए, और उनके घरों में एक आर्थिक सुरक्षा की स्थायी व्यवस्था करने का काम सरकार करे, ये एक हमारी मांग है। दूसरा, आपको ये भी हम सूचित कर दें कि पूरे देश में जो घटनाएं हो रही हैं, जैसा कि चौधरी साहब ने बताया कि जो FIR है ये कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन न केवल FIR बल्कि जो दमन की जितनी घटनाएं हुई हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम घटनाओं का एक ब्यौरा हम जल्दी आपके सामने लाएं। एक 15 दिन 20 दिन में, ये चूंकि पूरे देश में हमारे पास जो संसाधन है, नेटवर्क है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो हम लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग पूरे देश में ये पूरे समाज से आपके माध्यम से ये कहना भी चाहते हैं कि समाज के जिन जिन लोगों के खिलाफ इस तरह का दमन चक्र चला है, वो भीम आर्मी के साथियों को अपनी जानकारी जिस भी माध्यम से हो वो भेजे, ताकि उसका एक हम लोग एक दस्तावेज जो है उसको हम लोग आपके बीच में आने वाले दिनों में ला सकें। ये 2 बातें जो जरूरी बातें थी, वो भी बात आपको मैं बताना चाहता था। अब आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। सर, क्या लगता है आपको, जो पूरी घटनाक्रम हो रही है उसके लिए किसको क्या लगता है आप लोगों को? जो पूरी घटनाक्रम हो रही है, क्या लग रहा है कि पुलिस और सरकार क्या उसकी मिलीभगत है? क्या लगता है आप लोग? और अगर मिलीभगत है तो सरकार, कई राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार है, थोड़ी बहुत वहाँ भी छिटपुट हिंसा हुई है, बीजेपी शासित राज्य में ज़्यादा हिंसा, तो क्या लगा है कि बीजेपी टारगेट्स बहुजन SC ST OBC? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहली बार ये देखने को नहीं मिल रहा है कि सामंती जो इस सामाजिक जो ढांचा है, सामाजिक ढांचा जिस तरह से दलितों के खिलाफ उत्पीड़न करता था, यानी घोड़ी पे नहीं चढ़ने देना है, अगर वो बारात निकालना चाहता है एक गांव से, गांव की गलियों से, तो उसको नहीं इजाजत मिलेगी, उसके बैठने पर पाबंदी, यह जो सामाजिक ढांचे का दमन था, अब ठीक उसी तरह का दमन राजनीतिक ढांचा करता हुआ दिखाई दे रहा है। एकदम उसका व्यवहार जो 2 अप्रैल को है, वो सामाजिक जो ढांचे का जो दमन अब तक रहा है, उसी तरह का व्यवहार ये राजनीतिक जो पूरा ढांचा है उसका दिखाई दे रहा है। इसमें अब 2 राय नहीं रह गई है। ये मिलीभगत की बात ही नहीं, इस राजनीतिक ढांचे को ये काम करना था, जैसा बाबा साहब ने कहा था संविधान को लागू करते वक्त कि जो ये संविधान लागू हो रहा है, इस संविधान के लागू होने का सबसे बड़ा जो एक खतरा जो दिखाई दे रहा है, या कि राजनीतिक रूप से तो समानता मिल गई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से जितनी गैर बराबरी, अगर इसको नहीं पाटने का काम इस राजनीतिक ढांचे ने किया, तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। और ये हम लोग को दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक ढांचा, बजाय इसके कि सामाजिक ढांचे के उत्पीड़न को खत्म करे, उसमें वो सहयोगी बनने का काम कर रहा है, ये तो साफ साफ घटनाओं से दिख रही है। जो ग्वालियर में जो घटना हुई, आप सुनिए, जिनकी हत्या, जिसने गोली चलाई, सरेआम वीडियो है, उसके खिलाफ किस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया? गैर इरादतन उस पर हमले का मामला दर्ज किया गया, 308। आप बताइए, आप देख रहे हैं कि सरेआम कोई एक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का काम कर रहा है, और पुलिस और प्रशासन उसके खिलाफ 308 के तहत मामला दर्ज कर रही है। ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ है, आप हमले, आप सोचिए ना, राजस्थान में दूसरे दिन एमएलए के खिलाफ और मंत्री के घर पर, मंत्री और एमएलए के घर पर भीड़ ने हमला किया, ये प्रशासन नहीं रोक सकती थी, रोक सकती थी। सर, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड जिन राज्यों का आप नाम ले रहे हैं, वहाँ बीजेपी सरकार है, तो क्या ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही है उसको बीजेपी स्पॉन्सर्ड कर रही है? बीजेपी स्पॉन्सर्ड नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी ही वहाँ का सरकार है, बीजेपी की ये जिम्मेवारी है, और बीजेपी लगातार, ये हम लोग उसका एक रुख देख रहे हैं कि दलित विरोधी रुख रहा है। गुजरात में भी हम लोगों ने देखा था दलित विरोधी रुख, जब ये अमर सिंह चौधरी की सरकार ने आरक्षण लागू किया था, उस समय भी दमन की जितनी घटनाएं और अटैक की जितनी घटनाएं हुई, उसको दलितों के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में हुई। तो जहां जहां भी बीजेपी का प्रभाव रहा है, वहां सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है। ये तो जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके रिकॉर्ड बता रहे हैं, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। इसीलिए आप जो भी चाहे कंक्लूजन निकालें, लेकिन ये दलितों के हित ऐसी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप, हमारा फोटो
बाबा साहब का फोटो देख के खुश हो जाइए, हम आपका अधिकार छीन रहे हैं, आप इस पर इतराज मत जाहिर करें, फोटो देखकर आप खुश हो जाइए, ये बार बार ये कह रहे हैं। और जो लोग राजनीतिक रूप से जग गए हैं उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये तो साफ साफ ये दिखाई दे रहा है। लेकिन सर अमित शाह ने कहा है एक रैली में कि जो भी हिंसा हुई है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और दलित संगठन जिम्मेदार है और बीजेपी हमेशा की तरह दलितों के साथ है और वो आरक्षण से कभी छेड़छाड़ नहीं करेगी। नहीं नहीं, उनके कहने से क्या होता है, मैं तो कह रहा हूँ कि उन्होंने एक ऐप का नाम रखा, एक ऐप का नाम रखा, क्या रखा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। वो जो ऐप है उसका पूरा नाम ये है और छोटा नाम क्या है, BHIM भीम। तो ये फोटो दिखाते हैं भीम का, अधिकार नहीं देते हैं, भीतर कुछ और रखते हैं, इसलिए ये बात साफ साफ दिखती है कि जब वो कह रहे हैं कि आरक्षण का विरोध नहीं करते तो आप देखिए JNU में सीट कहाँ कट हुआ, प्रमोशन का जो मामला है वो कहाँ किसके राज में अभी तक लटका हुआ है। आप जितने भी UGC ने जो अभी नया आरक्षण का जो नए नियम लागू करने की बात जो की है वो किसके राज में हुआ है। तो आपके कहने से ये नहीं होगा कि रोहित बेमुला ने आत्महत्या किसके समय में की, चंद्रशेखर को गिरफ्तार किसने किया, चंद्रशेखर को जमानत मिली, जमानत मिलने के बाद NSA किसने लागू किया, ये कहने की बात नहीं है, हमारे पास फैक्ट हैं। पिछला जो बजट आया उस बजट में दलितों को क्या मिला है, ये सारे फैक्ट हमारे पास है और फैक्ट के आधार पे हम बात कर रहे हैं, हम केवल जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं, हम फैक्ट के आधार पे ये सारी बातें कर रहे हैं। आखिरी सवाल ये, जो रिजर्व कैटेगरी से लोग चुन के आते हैं और जिसकी सरकार होती है उसमें उनकी संख्या ज्यादा होती है, केंद्र में BJP की सरकार है, तो क्या लग रहा है आप लोगों को उनसे कोई बातचीत करनी चाहिए, उनसे कोई उम्मीद है, आपको लगता है कि वो भी नाउम्मीद कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो उन लोगों में से तो खुद ही लोग लिख रहे हैं, तीन सांसदों ने, BJP के तीन सांसदों ने पत्र लिखा और कहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री जो है अपने दरवाजे से बाहर फिकवा दे रहे हैं, हम लोग तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जो BJP में बहुजन समाज के जो MP है वो अपनी बात चिट्ठी दर्द बयान कर रहे हैं और ये 2 अप्रैल के बाद का, 2 अप्रैल का जो की जो चेतना का विस्फोट हुआ है पूरे देश में उसका असर है ये कि सारे जो MP पूरे दुख दर्द में तकलीफों में जी रहे थे अब उनको बोलने का साहस मिला है। सावित्रीबाई फुले को आप देखिए कितना वो बोल रही हैं लगातार कि BJP किस तरह से दलितों के खिलाफ काम कर रही है, हम लोगों को अपनी ओर से कुछ बोलना ही नहीं है, वो MP बोल रहे हैं उनके। छत्तीसगढ़ में एक MLA ने कहा कि हम जय भीम बोलना चाहते हैं लेकिन BJP में ये कहा जाता है कि जी जय भीम बोलोगे तो तुमको BJP में नहीं रहने देंगे, उसने इस्तीफा कर दिया। ये अंदर ये जो चेतना का जो विस्फोट है वो खुद ही ये ताकत दे रही है BJP के जो बहुजन समाज के जो MP है कि आप अपने दुख दर्द को बयान करो, समय है, अगर अभी नहीं बोलोगे तो फिर कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा, अभी आपको बोल के आप अपना दुख दर्द निकालिए, तकलीफ निकालिए, सरकार जो 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 व्यवहार आपके साथ की है उसको आप जरूर लोगों को बताइए।